नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव चौगानपुर, ये छतारी के पास पड़ता है और यहाँ एक घर के अंदर सांप बैठा है और बरसात का सीजन है और इन दिनों सांप घर के अंदर अक्सर कर घुस आते हैं। तो पहले तो सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इन दिनों कैसे भी कोई भी किसी भी परिस्थिति में ज़मीन पर ना सोए। इन दिनों सांप रेंगते हुए ज़मीन पर आते हैं और ज़मीन पर सो रहे इंसान को आसानी से सांप काट लेता है। कुछ सांप ऐसे होते हैं, उनके इतने बारीक दांत होते हैं कि हमें काटने के बाद भी पता नहीं चलता कि हमें किसी सांप ने या कीड़े ने काट लिया है, क्योंकि उस वक्त हम नींद में होते हैं तो हल्की फुल्की चुभन या किसी भी तरह के सांप के काटने का ऐसा समय नहीं होता है और हम सोते के सोते ही रह जाते हैं। चलिए पहले सांप को देखते हैं, आइए आपको दिखलाते हैं। देखना मारे, फिर तुम वो स्टिंग ले लियो हाथ में, मत ढीलो है भी तो देख मारे हो। तो समझो गल्ले पकड़ ली, बस सही है। तो दोस्तों ये जो सांप था बहुत ही खतरनाक सांप था और इस तरह के सांप का घर में आना बहुत ही डरने वाली बात है। इस सांप को साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं और हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो सांप के काटने से मौत होती है वो इसी सांप के काटने से होती है। ये भारत का एक बहुत ही जहरीला सांप है जिसका नाम है इंडियन कॉमन करैत। तो ये अक्सर कर रात के वक्त ही एक्टिव होता है, रात के समय ये ज़्यादा फुर्तीला होता है। कोई भी रेस्क्यूअर अगर इसके लिए पकड़ने की कोशिश करता है तो रात के समय इससे ज़्यादा खतरा होता है। ये रेस्क्यूअर के लिए भी कभी भी किसी भी वक्त जो नुकसान पहुंचा सकता है। और ये क्या होता है कि ये ऐसी जगहों पर छुपकर बैठ जाता है। ये यहाँ छुपके बैठा था, एक चाकी थी
केवल रोशनी से बचने की वजह से, ये जो लाइट जल रही है इसकी वजह से बचने के लिए इसके नीचे ये छुप गया था, वो तो इन्होंने नजर रखी, ध्यान रखा, वरना यहाँ लोग जो है चारपाई बिछाकर सोते हैं। और ऐसा नहीं कि सांप कहते हैं कि इस चारपाई पे नहीं चढ़ पाता, ये चारपाई पे भी चढ़ जाता है, बेड के ऊपर भी चढ़ जाता है, और बेड में बेड के ऊपर बिछे हुए कपड़ों के अंदर छुप जाता है। और जब कभी भी इंसान बेड पर सोता है और वजन इसके ऊपर आता है तो ये काट भी लेता है। तो ये कहना सीधा सा ये है कि हमारे देश का एक बहुत ही छुपारस्तम सांप है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला सांप है ये। सबसे ज़्यादा जो मौत होती है भारत के अंदर इसी सांप के काटने से होती है। और कभी भी किसी व्यक्ति को अचानक से रात में ये लगता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे उल्टियाँ सी आ रही हैं, तो ये सब पेट खराब होने के लक्षण नहीं है, ये सांप के काटने के भी लक्षण होते हैं। जब इस तरह का सांप किसी को काट लेता है तो पहले उसके पेट में दर्द होगा और उसके बाद में उल्टियां भी आ सकती हैं और धीरे धीरे उसका बीपी लो होगा। लोग सोचते हैं पेट खराब हो गया, उल्टियां हो गई हैं या पेट में दर्द हुआ, उसकी वजह से बीपी लो हो रहा है, कमजोरी सी आ गई है, तो लोग सो जाते हैं और सोते सोते मर जाते हैं। तो ऐसी कभी कोई दिक्कत किसी के लिए होती है तो बिल्कुल भी देरी ना करें, सीधे हॉस्पिटल जाएं और एक बार चेकअप कराएं, कहीं किसी सांप बाप ने तो नहीं काट लिया। रात काफ़ी हो चुकी है, अभी हम एक मगरमच्छ के रेस्क्यू के लिए गए हुए थे हापुड़, वहां से ही हमारे पास बार बार कॉल आ रही थी। कितने घंटे आप लोगों ने इंतजार किया है? दो ढाई घंटे इंतजार किया है। तो देर हो जाती है, जब हम दूर फंसे हुए होते हैं तो लोगों को इंतजार करना पड़ जाता है, और कभी कभी बाहर होते हैं नहीं भी आ पाते हैं तो भी लोग जो है मजबूरी में इन सांप बापों को मार देते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि आते ही नहीं है। देखो हमारे पास भी बहुत सारे काम रहते हैं, हम पहुंचना तो हर जगह चाहते हैं, लेकिन जब मजबूरी होती है नहीं भी पहुंच पाते तो कहीं कहीं जगह छूट भी जाती है, हमसे नहीं पहुँच पाते। तो जो हमारी कोशिश है, हम यही है कि रात और दिन इंसानों के लिए अपनी सेवा पहुँचाते रहें, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बहुत सारी बुराइयां मिल जाती हैं, क्योंकि हर जगह हम नहीं पहुंच सकते। देखो बहुत सारी कॉल आती हैं बहुत, और एक ही समय पर आती हैं, तो जाया तो एक ही जगह पर जाएगा, एक साथ सारी जगह पर हम नहीं पहुंच सकते। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो दोस्तों चलिए इसको आज़ाद कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये काली नदी है और यहाँ काफ़ी बेहद ज़मीन है और यहाँ सांपों के छुपने लायक भी काफ़ी ज़्यादा जगह है। तो यहाँ से हम इसको आज़ाद कर देते हैं, तो ये यहाँ नीचे चला जाएगा। कैमरा मैन दिखलाने की कोशिश करें। देखिए रात में ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है और किस तरह से ये सिमट कर बैठ गया है। तो चलिए मैं इसको उधर डालता हूँ, थोड़ा ऊपर लीजिएगा कैमरा मैन, इधर झाड़ियों में मैं इसको डाल दे देता हूँ। और ये गया वो चल करके जहाँ घास हिल रही है उसी जगह। तो अब हम भी चलते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप कहाँ से हमें देख रहे हैं और हमारा काम कैसा है और इस काम में हम और क्या नई तकनीक कर सकते हैं, क्या नई सुधार कर सकते हैं।